प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना सैंपल की जांच और रिपोर्ट की पेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। लैब में हजारों कोरोना सैंपलिंग पेंडिंग होने के कारण आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट आने में हफ्ते भर से ऊपर का समय लग रहा है। इधर हफ्ते भर से टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलने से संभावित मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने से संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इस पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर जानबूझकर टेस्ट कम करके आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। जिले के कम से कम 100 गांव में बात कर चुका हूं, एक विधानसभा नहीं 8 विधानसभा में, सभी जगह से रिपोर्ट आ रही है कि कहीं भी टेस्ट किट नहीं पहुंचा है, जांच बंद हो गए। कहीं भी आइसोलेशन के लिए गाँव में 3-4 पंचायत के बीच में हमने कहा था कि आप आइसोलेशन वार्ड बनाइए, पंचायत भवन को करिए, वहाँ रखिए, मगर लोग घर में रुक रहे हैं और इसलिए एक विस्फोटक स्थिति जो बनती जा रही है। टेस्ट होने के बाद 6 दिन बाद यदि रिपोर्ट आता है, 6ठवें दिन, 7वें दिन, 7 दिन तक वो कितने लोगों को इन्फेक्शन देगा, कितने लोगों को बीमारी दे देगा, इसकी कोई गिनती करने वाला नहीं है। उधर सरकार का कहना है कि इसमें तेजी लाने लगातार कोशिश हो रही है। जहाँ लापरवाही हो रही है वहाँ कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना जांच का डाटा आईसीएमआर के पोर्टल पर समय पर दर्ज नहीं करने वाले 7 लैब को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। कहीं अगर किसी चीज की कमी है, किस चीज को प्राथमिकता देना, कहाँ क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं, कहीं कुछ और करने की जरूरत हो, रोजगार से लेके क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, वेंटिलेटर की उपलब्धता, आईसीयू की उपलब्धता, कहाँ पर बेड्स की स्थिति कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है, ये सारा एक परिदृश्य आ जाता है। कहाँ किस जिले के किस ब्लॉक में संक्रमण ज्यादा है, ये बातें फोकस में लाने के लिए मीटिंग काम में आती है। कि आप जिले की बात कर रहे हैं तो जिले में किस ब्लॉक में, तो वो ध्यान फिर जब फोकस होके काम होता है तो और कारगर तरीके से काम होता है। प्रदेश में एम्स रायपुर और 6 दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर और रायपुर की लैब में सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने महासमुंद, कोरबा, कांकेर और कोरिया में वायरोलॉजी लैब की स्थापना का काम प्रगति पर है। शीघ्र ही इन चारों नए लैब में भी आरटीपीसीआर जांच शुरू हो जाएगी, तब जाकर शायद राहत मिल पाए, लेकिन तब तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि हालात सुधारने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, सरकार तमाम उपाय कर रही है, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन वाले बेड के इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन एक समस्या जो बार बार सामने आ रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट का जो रिजल्ट है उसमें देरी होना। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का इसमें भी कहना है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पेंडेंसी है, अचानक से ये संक्रमण बढ़ा जिसकी वजह से ये दिक्कतें यहाँ पर सामने आई। विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बनाया और कहना है कि अगर इतनी देर से रिपोर्ट आएगी तो तब तक वो आदमी ना जाने कितनों को संक्रमित कर देगा। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना था, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है और लैब भी बढ़ाए जा रहे हैं और टेस्टिंग को जल्द से जल्द करने की कोशिश भी की जा रही है। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार टेस्टिंग देरी से होगी तो क्या दिक्कतें आएंगी और क्या इस दिक्कतों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ भाजपा विधायक रजनीश सिंह जी हैं, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश जी, आप लोगों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर ये लेट लतीफी की जा रही है टेस्टिंग में और इस वजह से संक्रमण बढ़ रहा है, मौतें बढ़ रही हैं। देखिए अभिषेक जी, अभी वास्तव में छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। और हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, ये तो स्थिति है ही है। अभी जो पिछले हफ्ता 10 दिन से जो सबसे और इससे भी बड़ी जो खतरनाक स्थिति है और चिंतनीय स्थिति है वो ये है कि टेस्टिंग नहीं हो रहा है। अभी आरटीपीसीआर का जो टेस्टिंग हुआ है छत्तीसगढ़ के अधिकांश जगह पर, उनका रिपोर्ट नहीं आया है लगभग 8-10 दिन से। बिलासपुर पिछले 10 दिन से बंद है, छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों को छोड़ दें तो बाकी हर जगह ये स्थिति है। और दूसरी बात, तुनाट जी का रिपोर्ट जो एक दिन में आ जाना चाहिए, 24 घंटे में अधिकतम आ जाना चाहिए,
उस रिपोर्ट का भी अभी तीन दिन चार दिन में उसका भी रिपोर्ट नहीं आ रहा, और एंटीजन टेस्ट का ये स्थिति है कि प्रत्येक जिलों में कम है। यदि सुबह से 500-600 टेस्ट होता है उसके बाद बोल दिया जाता है कि अब हमारे पास किट नहीं, तो कुल मिला के सरकार आंकड़ों को कम दिखाने के लिए कि हम ये दिखा सकें कि हमारे जो मरीज हैं वो ज्यादा ठीक हो रहे हैं और एक्टिव केस अब कम हो रहे हैं, संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, दिखाने के लिए निश्चित रूप से सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और इसमें किसी प्रकार की ठोस गंभीर पहल नहीं कर रही है, जिसका परिणाम है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को अभी जो स्थिति है उससे बड़ा संकट झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिनका टेस्ट नहीं हुआ है और जो कहीं धोखे से पॉजिटिव हैं वो घर में घूम रहे हैं, अभी लॉकडाउन है, फिर बाजार में आएंगे, तो कल्पना करना अभी मुश्किल होगा कि बाद में स्थिति क्या बनेगी। इसलिए हमारा इसमें निश्चित रूप से कहना है सरकार जानबूझ के टेस्टों की संख्या कम कर दी है, आरटीपीसीआर और टू नॉट की रिपोर्ट आ नहीं रही है और एंटीजन का भी रिपोर्ट बहुत कम आ रहा है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका क्या आकलन है, आरटीपीसीआर काफी लंबित हो जा रहे हैं, बहुत देर से रिपोर्ट आ रही है, विपक्ष भी अब आप पर आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष के का जो रवैया है सरकारी नीति में कहना तो नहीं चाहता, जिम्मेदाराना है। आज जब छत्तीसगढ़ इतने भयंकर समस्या के दौर से गुजर रहा है, इतने भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है, तो हर चीज में आलोचना करना, हर बात में आलोचना करना, मैं आपको बता रहा हूँ जो एंटीजन टेस्ट हो रहा है, जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, उनको सबको ये चेतावनी दी जाती है कि आप अपने घर में जाकर के रहें। तो और दूसरी बात, लॉकडाउन करीब करीब पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है और सब जगह पूरी कड़ाई के साथ इसका पालन हो रहा है, इन परिस्थितियों में वो संक्रमण बढ़ाएंगे ये बात कहना गैरवाजिब है। वास्तविक बात तो ये है कि लॉकडाउन लगने के बाद और सरकार की तत्परता के बाद निरंतर हमारे यहाँ संक्रमण की गति कम हुई है, ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। सरकार जो है निरंतर लगातार प्रयासरत है कि अधिक से अधिक कोई वैक्सीनेशन का काम हो, अधिक से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की मुहैया कराया जा सके, अधिक से अधिक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा सके, और जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो डरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द चिकित्सा मुहैया करा करके उन परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। शुक्ला जी, मैं आपको ये बताते हुए मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि जिस वैक्सीन के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, आज हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कह दिया कि 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोगों के लिए जो वैक्सीन के लिए अतिरिक्त राशि की जो आवश्यकता होगी उसको छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार वहन करेगी और वैक्सीनेशन के लिए किसी को राशि देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निरंतर सरकार इस प्रयास में स्वागत योग्य कदम है जी, सरकार लगातार इस प्रयास में लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत योग्य कदम है। हाँ, मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, अभी आलोचना न करें, ऐसी परिस्थितियों में लोगों का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। लोग काफी डरे हुए हैं और लोगों के अंदर में एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक भी समस्या पैदा हो रही है, तो इस स्थिति में संबल देने की आवश्यकता है, लोगों को मदद पहुंचाने की आवश्यकता है। तो अपनी भूमिका को थोड़ा सकारात्मक करें और सकारात्मक करके लोगों का मनोबल बढ़ाएं और ये कहें कि स्थितियां बहुत जल्दी ठीक होंगी और इन परिस्थितियों से हम बहुत जल्दी आगे निकलेंगे और कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगा, छत्तीसगढ़ इससे उभर के आगे विकास की दिशा में अग्रसर होगा, ऐसा प्रयास हम सभी लोगों का होना चाहिए जी। रजनीश जी, सकारात्मक भूमिका विपक्ष को निभानी चाहिए, सरकार का कहना है, सुरेंद्र जी का कहना है। शुक्ल जी, अभी शर्मा जी बोल रहे हैं कि राजनीति करने की इनकी आदत है, राजनीति कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा सुरेंद्र शर्मा जी की किस विषय पर भारतीय जनता पार्टी अभी राजनीति कर रही है और क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल होने के नाते हमारी जो भूमिका है, हम जो सरकार की कमियां हैं, खामियां हैं, उसको उजागर नहीं करेंगे। यदि ये शर्मा जी समझते हैं नहीं करेंगे तो ये इनकी हो सकता है अपनी सोच हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनकी खामियों को जरूर उजागर करेगी। वैक्सीनेशन के अभी बात कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं सुरेंद्र शर्मा जी से जानना चाहूंगा, अभी तक जो
बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ वाले पूरे देश में तीसरे नंबर चौथे नंबर पर है वैक्सीनेशन के मामले में। इन्होंने उसमें कितनी खर्च की है, केंद्र सरकार के जो अभी 40 लाख के लगभग जो वैक्सीनेशन हुए हैं उसमें इन्हें कितने राशि दी है, और 18 साल से ऊपर वाले में जो बोल रहे हैं कि हम राशि देंगे, कितनी राशि देंगे? अरे वो तो सरकार, केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जो राशि 18 साल से ऊपर की वैक्सीन है वो मुफ्त देंगे, लेकिन बाजार में भी उपलब्ध रहेगा, जिनको बाजार से लगवाना है वो बाजार में भी लगवा सकते हैं, बाकी शासकीय दर में जो मिल रहा है वो तो मुफ्त में इनको मिल ही रहा था, मिलेगा, इसमें कहां से आ गया कि हम इनको ये करेंगे। और दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्री जी का क्या इसमें बयान आया है, पिछले टाइम कोवैक्सीन के समय इनका क्या बयान आया था, और पूरी सरकार का बयान था उसमें, और अभी स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ वास्तव में जो अभी पेंडेमिक समय में गुजर रहा है, राजनीति कांग्रेस कर रही, इनकी जो आपस की लड़ाई है इसके कारण प्रदेश बदहाल है, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही, सकारात्मक भूमिका के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हर जगह इनको जहां जहां सहयोग की आवश्यकता है हम कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों में भी, प्रदेश में भी, और करते रहेंगे। लेकिन यदि कांग्रेस ये समझती है कि ये जो बोले हम हाँ के हाँ करें और चुपचाप बैठे रहे, ये स्थिति सुरेंद्र शर्मा जी आप समझ लीजिए, आप अभी बचाव कर रहे हैं कि एंटीजन जितना हो रहा है किसी जिले में नहीं हो रहा है, और रियलिटी आप जान रहे हैं, टीवी में बोल बैठ के बोलेंगे उसकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एंटीजन का आप बता दीजिए कि बिलासपुर में और 10 जिला का नाम गिना देता हूँ कब से नहीं आया, और फिर उसको मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ कि कब लास्ट टेस्ट हुआ था जिसका आज तक नहीं आया, तुनाट का कब तक हुआ था नहीं आया, तो आप किसका बचाव कर रहे हैं? आखिर एंटीजन वाले का आरटीपीसीआर क्यों करते हैं? आरटीपीसीआर इसलिए करते हैं कि यदि एंटीजन में यदि वो पकड़ में नहीं आया, कई ऐसे माइनर केस आए हैं और उसका आरटीपीसीआर में उसका कंफर्मेशन होता है कि आरटीपीसीआर में यदि निगेटिव है तो निगेटिव है। यदि हम मान लें अभिषेक जी 10,000 रोज का आरटीपीसीआर की क्षमता है छत्तीसगढ़ में, और उसमें 1% लोग भी उसमें जो एंटीजन में निगेटिव आए हैं, आरटीपीसीआर में 1% लोग भी उसमें पॉजिटिव आते हैं, तो 100 लोग यदि हैं जिनको ये नहीं मालूम है, वो तो अपने आप को मान के चल रहे हैं एंटीजन में उनका निगेटिव है, आरटीपीसीआर 8 दिन से उनको रिपोर्ट नहीं मिला है और हैं वो पॉजिटिव, अब 8 दिन में उनकी खुद की क्या हालत होगी, उन्हें दवाई खाते बंद रहे, घर में है, मार्केट अभी बंद है, लेकिन क्या वो भविष्य में मार्केट में नहीं जाएंगे? सुरेंद्र, तो ये एक दिक्कत बार बार सामने तो आ रही है कि जो टेस्टिंग है वो रिपोर्ट बहुत देर से आ रही, खासकर आरटीपीसीआर की। हालांकि सरकार ने कहा है कि लैब बढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि वाकई 8-10 दिन लेट हो जा रहा है। सुरेंद्र जी, अक्षय जी बात बिल्कुल सही है, इस बात को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है, और ये भी है कि कुछ लोग जो है ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी का जिस तरह से वहन करना चाहिए उस तरह से वहन नहीं कर रहे हैं, उनको दंडित भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। एक बात समझ लीजिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कोरोना का संक्रमण घटते घटते करीब करीब लगभग समाप्ति की ओर 113 में आ गया था, और पूरे देश में लगभग ये मान लिया था कि कोरोना का यहाँ से समापन हो चुका है। जिस तेजी के साथ 11 मार्च से लेके मतलब इस मार्च महीने में लगातार जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, बीमार लोगों की संख्या बढ़ी है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूरे हिंदुस्तान में, तो जो संसाधन थे, जो व्यवस्था थे, वो निश्चित रूप से कम है, इस बात को स्वीकार करने में उसको कोई आपत्ति नहीं है, हिचक नहीं है, मगर ये बात भी है कि इन सब चीजों होने के बावजूद सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, संसाधन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, टेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और प्रयत्न किया जा रहा है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जितना जल्दी से जल्दी लोगों को मिल जाए, मिल सके। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके वजह जिसको टेस्टिंग किया जाता है उसको इस बात को समझाइए। रजनी जी, एक बात मैं ये भी पूछना चाहूंगा, ये बात सामने है कि सेकेंड स्ट्रेन आने वाला है, अंदाजा क्या केंद्र सरकार को भी नहीं था या राज्य सरकार को भी नहीं था इस बात का कि स्ट्रेन आएगा, तो कुछ तैयारियां पहले से करके रखें? अगर बीच में जब डाउनफॉल था तब अगर ये तैयारियां कर ली जाती तो ज्यादा कुछ बेहतर हम कर पाते। अभिषेक जी बहुत अच्छा प्रश्न है आप, हाँ अभिषेक जी इस बात को आप समझिए कि पिछले समय जब कोरोना काल आया और लॉकडाउन लगा देश में, उसके बाद फिर अगस्त सितंबर से पूरा जो
स्थिति परिस्थिति को देखने की सुविधा की विस्तार करने की सारी जवाबदारी राज्य सरकारों को दे दी गई थी, और इसलिए यदि जनवरी फरवरी तक ये सरकार चार महीना पांच महीने में यदि नहीं कर पाई, तो अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि इतनी उम्मीद नहीं थी, ठीक है बिल्कुल, बात सबको मन में था कि शायद कोरोना से हम जीत चुके हैं और वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस गति से फैलने के पीछे सरकार की सिर्फ जीत और लापरवाही रही है। यदि क्रिकेट मैच नहीं हुआ रहता तो हो सकता है बढ़ता, मैं नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहता, लेकिन 101 लोग मान रहे हैं कि यदि आज छत्तीसगढ़ में 1,40,000 केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस बिल्कुल नहीं रहते, हमारे अंडर कंट्रोल में रहते, जैसे कि 5-7-8 राज्यों को छोड़ दे तो हर राज्य कंट्रोल करके रखा, उस प्रकार से कंट्रोल रहता, बढ़ रहा है, लेकिन उस स्थिति से लड़ने में हम बहुत अच्छे से सक्षम थे। इसलिए ये कहना कि किसी को अंदाजा नहीं था यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये सारी जवाबदारी केंद्र की नहीं थी कि केंद्र जवाबदारी लेके इनको सब कहे, इनके ऊपर तो सब चीज था और इनको तैयारी करना था। और लॉकडाउन भी हम लोग तो मांग कर रहे थे, 15-17 मार्च को जब बढ़ा केस अचानक, तो हम लोगों ने मांग भी किया था कम से कम 3 जिलों में जिला को प्रतिबंधित कर दिया जाए, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव के, जहां बहुत बड़े संख्या में हॉटस्पॉट के रूप में निकल रहे हैं, तो वहां को भी रोक देते तो छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों का जो स्थिति थे, कई जिले बिल्कुल पॉजिटिव के मामले में शून्य थी, वहां भी नहीं बढ़ पाता। लेकिन ये सरकार अब बार बार ये कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में बहुत खतरनाक स्थिति बन चुका है, हम देश में दूसरे नंबर में है पॉपुलेशन में, यदि देखें तो 2.5 करोड़ की संख्या है, हम बड़े बड़े राज्यों की तुलना करते हैं कि बड़े राज्य में इतना कुछ फायदा तो जरूर हुआ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, चेन भी टूट रही है। आपको लगता है कि इसे थोड़ा और एक्सटेंड करने की जरूरत है, अगर इसके फायदे हो रहे हैं तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। देखिए शुक्ला जी, दरअसल में ये है कि सुरेंद्र जी से भी पूछ लेता हूँ। जी सुरेंद्र जी, पिछले लगभग 4-5 दिनों से जो समाचार है वो ज्यादा नकारात्मक नहीं है, अच्छी समाचार मिल रहे हैं, रिकवरी रेट काफी बढ़ा है और थोड़ा सा संक्रमण का चेन भी टूटा है। अब इन परिस्थितियों में अभी मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है वो ये है कि जनमानस में एक तरह से जो भय का वातावरण जो मैं जो महसूस करता हूँ, भाई मैं गांव देहात में शहरों में रहता हूँ, उसको एक बात समझ में आई है कि ये जितनी बड़ी बीमारी है उससे ज्यादा दहशत के कारण, लोगों को डर के कारण जो है बहुत ही ज्यादा समस्याएं पड़ गई। ज्यादातर लोग सर्दी बुखार वाले ठीक होकर घर घर में ही आइसोलेट होकर ठीक हो जाते हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है ऐसे लोग भी थोड़ी सी दिक्कत है। ऐसे समय में सरकार पूरी तरह सजगता पूर्वक उन लोगों को मदद कर रही है, और हम उसको कहते हुए थोड़ा संतोष होता है, खुशी शब्द तो सही नहीं है, संतोष होता है कि अब हम काफी हद तक नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, और मैं विश्वास करता हूँ, मुझे भरोसा है कि हम बहुत जल्दी आने वाले समय में इस पैंडेमिक को नियंत्रित कर सकेंगे, छत्तीसगढ़ के लोगों की जान की रक्षा होगी, उनकी सेहत की रक्षा होगी। क्या लगता है सुरेंद्र जी, कुछ और बढ़ा लॉकडाउन के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि लॉकडाउन एक बहुत ही आवश्यक होने पर ही इस कदम को उठाया जाना चाहिए, तो सरकार जो है अगर इसका बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि मूल रूप से पहले सरकार की जिम्मेदारी ये है छत्तीसगढ़ की जनता की जान की रक्षा करना, बाकी सब बातें बाद में देखी जाएंगी। अगर लॉकडाउन अनिवार्य हो लगेगा, चिकित्सकों की, वैज्ञानिकों की, विशेषज्ञों की अगर इस तरह की सलाह होगी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लॉकडाउन और भी बढ़ सकता है, मगर इन सब परिस्थितियों की समीक्षा करनी होगी। ठीक, रजनीश जी, आप लॉकडाउन बढ़ेगा बोल रहे थे, पर कल प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन अंतिम विकल्प रखें, माइक्रो लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन की ओर राज्यों को बढ़ना चाहिए। अभिषेक जी, यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो निश्चित ही अंतिम विकल्प के रूप में हम खड़े हैं, ऐसे और अंतिम स्थिति हमारी क्या हो सकती है। अभी शर्मा जी बोल रहे थे कि मुझको संतोष हो रहा है करके, हम लोग बिल्कुल संतोष इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि डेथ रेट आप देखिए पिछले एक हफ्ते से 160, 165, 170 का 192 देश में दूसरे स्थान पर मोर्टेलिटी रेट है, जो कम टेस्ट होने के बाद, आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आने के बाद और एंटीजन का कम टेस्ट होने के बावजूद 15,000-16,000 का रोज पॉजिटिविटी केस आ रही है,
तो कहां हम अभी संतोष करने की स्थिति में है कि हम छत्तीसगढ़ में बैठ के संतोष करें। हॉस्पिटल में एक एक इंजेक्शन के लिए, एक एक गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतनी मारामारी है। सुरेंद्र जी भी परेशान होते होंगे, निश्चित रूप से उनके पास भी 10 फोन आते होंगे कि भैया मेरे को बेड दिला दो। बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, हमको लगता है कि अभी छत्तीसगढ़ उसी अंतिम विकल्प के रूप में खड़ा है कि 26 तारीख का भी कैसिन किन्हीं जिलों में कुछ कुछ आगे पीछे है, लेकिन हमको लगता है कम से कम ये 5-7 मई तक जाएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि संक्रमण की चेन तोड़ने में और कितना हम सफल हो रहे हैं, कितने रिकवरी हो रहे हैं। तो हमको तो लगता है अभी से कि ये आने वाले समय में लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ये हम लोग का जो अभी के जो तमाम प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो हमारी खुद की विश्लेषण है, इससे लगता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी छत्तीसगढ़ इस हताशा निराशा और संक्रमण काल से बाहर निकल पाएगी। सुरेंद्र जी, विपक्ष पर आप लोग अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हैं। विपक्ष का कहना होता है हम जो कमियां हैं उनको बताते हैं। क्या ऐसे महामारी के समय में आप लोगों की उम्मीदें हैं विपक्ष से, क्या सहयोग की उम्मीद है? मैं तो कहता हूं कि आज कोई पक्ष नहीं है, पक्ष विपक्ष भी नहीं है। एक पक्ष में कोरोना है और दूसरे पक्ष में इंसानियत है। आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच नहीं है, कल लड़ लेंगे बाद में, बहुत सारे अवसर मिलेंगे, लड़ेंगे अपन, मत मतांतर भी व्यक्त करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज तो हमारी लड़ाई सिर्फ कोरोना से है। अब कोरोना से लड़ने में, इस पेंडेमिक से लड़ने में, लोगों के मनोबल बढ़ाने में जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जिम्मेदार लोग हैं, बलदार लोग हैं और वो इस बात को समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में कोई भारतीय जनता पार्टी हमारा विरोधी नहीं है, हमारा विरोधी कोरोना है। हमारी लड़ाई कोरोना से है, हमारी लड़ाई बीमारी से है, हमारी लड़ाई दहशत से है, हमारी लड़ाई डर से है, हमारी लड़ाई इन सारी चीजों से है। और हमको सबको मिलजुल के जीतना है। सत्ता आने जाने वाली चीज है, कल को जब समय आएगा चुनाव लड़ेंगे। हमारी गलती के बारे में भारतीय जनता पार्टी कभी भी कह सकती है, उसके लोकतंत्र है, किसी को किसी के बारे में कहने से कोई मना ही नहीं है, कोई रोक भी नहीं है। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप आलोचना करें। बात आपने कही यहाँ पर, हम उसको जवाब दें। उम्मीद है कि रजनीश जी भी इससे सहमत होंगे। आज समय मेरे पास इतना था, मुझे इसे समेटना पड़ेगा। सुरेंद्र जी और रजनीश जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सही बात है सुरेंद्र जी ने जो कही कि इस वक्त वाकई में दो ही पक्ष, एक साइड कोरोना है, दूसरी तरफ इंसानियत है। इंसानियत को जिताने का जिम्मा हम लोगों के ऊपर है, सभी लोगों को मिलकर इससे लड़ना होगा। वाकई वक्त सियासत का नहीं, वक्त है कोरोना से लड़ने का। इससे एक बार हम निकल गए, वापस सामान्य जनजीवन पर अगर हम आ गए, उसके बाद तमाम मत मतांतर और मतभेदों को सामने लाने का पर्याप्त समय है। आज का मुद्दा में इतनी, नमस्कार।